डीबीटी और वर्कअप ना पट्टी से नहीं हूँ यहाँ पर है प्लेटी एलमिनतीज फॉयलम प्लेटी एलमिनतीज फैसिओला हाइपेटिका द लीवर द सीप लीवर फ्लू क्लास का टेमेटोड है। टेमेटोड आर द पैरासिटिक दे आर कमली काल द प्लेटबाम फ्लूक आर द स्लो काउंट बार दे लीप लाइक फॉर्म फ्लूक इनिवेट द लीवर एंड बाइल डक्ट ऑफ वर्टिब्रेट लाइक द कैटल शीप रैबिट गोट पिग एंड मैन फाइलम प्लेटिलमिंथीज क्लाटेमेटोडा आर्ड डाइजीनियम फैमिली फैसिलियोडी और फैसिओला जीनस स्पीसीज हेपेटिका फैसिओला हेपेटिका लीवर फ्लू बाज फर्स्ट डाइजेनिक टेमेटोड फर्स्ट डाइजेनिक टेमेटोड लाइव हिस्ट्री द कंप्लीट वर्क ऑन द थॉमस इन द 1883 एंड कैटल राइजिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड इट इज ऑफ ग्रेट पैरासिटोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अस इज द काजिंग ऑरिजिन ऑफ द फैसिओलोसिस ए डिसीज दैट काजेज इमेंज डैमेज टू लीवर टिशू एंड बाइल डक्ट ऑफ सीप हैबिट एंड हेपटार फैसिओला हेपेटिका स्मॉल जो है इंडो पैरासाइट विद द कंप्लीट लाइफ साइकिल टू होस्ट अडल्ट हेपेटिका नाउन एट द सीप लीवर फ्लूक अडल्ट यहाँ पर सीप लीवर फ्लूक होता है एंड बीकाज इज अकर इन द लीवर एंड बाइल बाइल पैसेज ऑफ सीप प्राइमरी होस्ट इट मे बी अकर इन द सम अदर वर्टिब्रेट्स द सीप इज प्राइमरी होस्ट सीप इज प्राइमरी होस्ट एंड अदर मे बी इट मे बी ऑल्सो अकर इन सम अदर वर्टिब्रेट लाइक गोट हॉर्स हॉर्स और डॉग एसेस ऑक्स डियर एंटीलोप रैबिट एलिफेंट मैन मंकी एक्सेट्रा सिंगल सीप मै हावर हावर अस मैनी 2200 अडल्ट फ्लूक इन द लीवर विच इज द मै कॉन्सिक्वेंटली केयर्स आर फंक्शनल नॉर्मली दिस इफेक्ट इन द नाउन एस लीवर रॉट हिपेटिका इज द स्पेंड अ पार्ट ऑफ ए हिस लाइफ हिस्ट्री इंटरमीडिएट होस्ट ए फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड विच इज आइदर लीमा लेनिनकुलेटा आर समीज आप प्लेनोरबिस और बुलनबिस इसकी बारा कुछ इंटरमीडिएट होस्ट हैं इंटरमीडिएट होस्ट जो कि फ्रेश वाटर होता है यहाँ पर गैस्ट्रोपोड यानी दूसरा सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट गैस्ट्रोपोड है फर्स्ट सीप है यहाँ पर और जिसका यहाँ पर बीच आइदर जिसमें से यहाँ पर गैस्ट्रोपोड हो सकता है लेमिना टेनोकुलोटा या फिर पेलेनोबिस आर द बल्बिनस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूक इज मोर लेस सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लेनेरिया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूक इज मोर और लेस जो कि प्लेनेरिया के समान है शेप एंड साइज बॉडी जो हेपेटिका है ओवल डोर्सो वेंट्रली फ्लेटेड लीफ लाइक यहाँ पर 31.8 to 33 centimeter लॉन्ग मैक्सिमम विड्थ 0.4 to 1.5 centimeter विच इज लिटिल फ्रंट इन मिडल रीजन ऑफ बॉडी फ्रॉम दिस रीजन बॉडी टेपर अंटरियरली एज वेल एज पोस्टरली फ्रॉम दिस रीजन बॉडी टेपर अवाय इंटीरियरली एज वेल एज पोस्टरली टेपर यानी टेप लाइक होती है आगे और पीछे यानी एंटीरियरली आगे एज वेल एज पीछे एंटीरियर एंड इज द सम्बार्ड बोर्ड एंड राउंडेड एंड वाइल द पोस्टीरियर ब्लंटी एंड पॉइंटेड पोस्टीरियर यहाँ पर ब्लंटी और पॉइंटेड होता है और जो राउंडेड होता है जो एंटीरियर पार्ट है वो राउंडेड होता है ब्रॉड होता है चौड़ा और राउंडेड होता है।
कलर इज द पिंकिश बट ट्रांसपेरेंट बॉडी इनेबल टू ऑब्जर्व द ब्लैकिश आर द ब्राउनिश वेटेलाइन ग्लैंड अलोंग इट मार्जिनल एलिमेंट्री कैनाल। ये सकर्स पाए जाते हैं इसमें, ओरल सकर्स है या फिर ओरल या फिर एंटीरियर सकर्स या माउथ है। ओरल सकर्स या फिर ओरल कोन होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये ओरल कोन है और ये गोनोपोर है। ये सेकेंडरी एसिटिबुलम से कहते हैं, सेकेंडरी सकर्स होते हैं और एसिटिबुलम या सेकेंडरी सकर्स जो पोट्री सकर भी कहते हैं इसे। और यहाँ पर ये एस्टेरी पोर है, ये पोस्टीरियर सकर है, ये एस्टीरियर सकर है, तो टू सकर अब आ जाते हैं। टू सकर हैं आप इसे कहते हैं ओरल या फिर एंटीरियर सकर, ओरल या फिर एंटीरियर सकर। और ये यहाँ पर पोस्टीरियर सकर या फिर एसिटिबुलम। तो दो सकर होते हैं यहाँ पर सकर। बीच में अपेयर ब्लू ड्यू टू द इंजेस्टेड बाइल ऑफ होस्ट, ये ब्लू दिखाई देता है पीलापन क्योंकि यहाँ पर जो बाइल है होस्ट का उसलिए उसको चूसता है या खाता है तभी। ओरल कोन इज अंटिली ड्राउन द इन टू द प्रोमिनेंट कोनिकल प्रोजेक्शन, जो ओरल कोन होता है वो आगे होता है, अभी दिखाया था डायग्राम में, जो कि यहाँ पर हेडेड लोब भी कहते हैं ओरल कोन को। और बेरिंग एट द टिप, ये बेरिंग एट टिप जो टिप पर यहाँ पर रहता है किनारे पर। सम बार द ट्राइंगुलर अपर्चर पर माउथ, ट्राइंगुलर होता है माउथ पर ओरल कोन, जो माउथ पर होता है यहाँ पर ट्राइंगुलर कोन होता है। सकर्स दे आर द टू स्मॉल सकर्स इंटीरियर एंड वेंट्रल, एक इंटीरियर बताया था और यहाँ पर पोस्टीरियर को वेंट्रल भी सकर कहते हैं या एसिट्यूबुलम भी कहते हैं। एसिट्यूबुलम बोथ आर डिवॉइड ऑफ सकर्स, जिसमें दोनों में यहाँ पर हॉक्स नहीं पाए जाते हैं। बोथ आर एंड बोथ डिवॉइड ऑफ हॉक्स एंड स्पाइन। एंटीरियर सकर माउथ इज सिट्यूटेड एट द सेंटर ऑफ बॉटम कप शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन नाउन एज एंटीरियर ऑफ द ओरल सकर्स। एंटीरियर सकर्स में क्या होता है, माउथ इज सिट्यूटेड एट द सेंटर, माउथ सेंटर पर आ जाता है, कप शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है यहाँ पर और जिसे कहते हैं एंटीरियर ऑफ द ओरल सकर्स। इट इज अबाउट डायमीटर ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर मसल्स ओरल सकर्स से रेडिएट होते हैं, इसमें जो उसमें सकर होते हैं वो रेडिएट होते हैं, रेडिएट होते हैं। और मार्जिन ऑफ माउथ टू द पेरिफेरी सकर्स, रेडिएट सकर्स मसल्स होती हैं इसमें, मसल्स ऑफ ओरल सकर की रेडिएट होती हैं और इस तरह से ये सकर होता है और यहाँ पर इसमें रेडिएट मसल्स होती हैं, ये रेडिएट मसल्स होती हैं। और इसमें यहाँ पर मार्जिन पर माउथ जो पेरिफेरी सकर होते हैं माउथ पर, ये पेरिफेरी सकर होते हैं इस तरह से, ये पेरिफेरी सकर्स होते हैं मार्जिन पर पेरिफेरी सकर्स। ओरल सकर एक्ट एज द आइडियल आइडियल और सेक्टोरियल ऑर्गन सर्विंग फॉर द एजेशन एज वेल एज। ओरल जो सकर्स हैं उनका काम क्या है, होस्ट से चिपकना जिसे अधेशन कहते हैं, और असवेल है साथ ही साथ जीसन मतलब उससे भोजन प्राप्त करना, होस्ट से चिपक कर भोजन प्राप्त करना और साथ से साथ उसके चिपके रहने, दोनों काम करता है ओरल सकर्स। बेंटल सकर अबाउट, यहाँ पर बेंटल सकर बिहाइंड या फिर एसिटिबुलम से कहते हैं या फिर पोस्टीरियर सकर कहते हैं इसे, और जो कि मिड बेंट्रली अनोदर अनोदर बॉब लाइक इट अधेसिव सकर बेंटल आर द पोस्टीरियर सकर आल्सो नाउन एज एसिटिबुलम विदाउट द अपर्चर्स हैज डायमीटर अबाउट 1.7 मिलीमीटर। अपर्चर द एडिशनल माउथ, इसके यहाँ पर अपर्चर होता है एडिशनल माउथ के, एडिशनल माउथ एक अपर्चर होता है, टू प्रोमिनेंट अपर्चर्स बॉडी स्मॉल कॉमन जेनाइटल अपर्चर है गोनोपोर, एक अपर्चर होता है यहाँ पर जेनाइटल अपर्चर या गोनोपोर कहते हैं। सिचुएटेड मिड वेंट्रली, मिड वेंट्रली लिटिल फ्रॉम द एसिटिबुलम, जो एसिटिबुलम के सामने मिड वेंट्रली होता है। ए सिंगल एस्केटरी पोर लाइज एट द पोस्टीरियर एंड स्लाइटली टुवर्ड द वेंट्रल सरफेस,
during the breeding season, temporary opening of the Roudinet canal appear on the dorsal surface, little anterior to middle. तो यहाँ पर एंटीरियर के मध्य में जो आगे का हिस्सा है उसके यहाँ पर मध्य में एक लूरल कैनाल डोर्सल सरफेस पर दिखाई देती है ब्रीडिंग सीजन में, और उसे कहते हैं यहाँ पर परचस या फिर गोनोपोर, दिस इज जिसे गोनोपोर कहते हैं, परचस गोनोपोर या फिर जेनाइटल परचस कहते हैं, जिसे लूरल कैनाल दिखाई देती है यहाँ पर, जेनाइटल अपर्चस या फिर कहते हैं जेनाइटल अपर्चस या गोनोपोर जो कि मिड डोर्सली है, जो कि दिखाई देता है यहाँ पर, और सीजन ब्रीडिंग सीजन में ओपनिंग अब जो कि ओपनिंग होती है लेरल लॉरल कैनाल अपेयर ऑन द डोर्सल सरफेस ए लिटिल एंटीरियर टू मिडल ऑफ द बॉडी, द एलिमेंट्री कैनाल बीइंग इनकम्प्लीट अस देयर इज नो एनस, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर नहीं होती है इसमें, इसके मतलब एनस नहीं होता है। स्केल द बॉडी ऑफ लीवर फ्लूक इज कवर्ड विद द टर्मेंट विद द प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ बैकवर्ड स्पाइन्स आर स्केल्स, इसमें यहाँ पर स्पाइन स्केल पाई जाती हैं, स्केल्स जो कि यहाँ पर टैगमेन या क्यूटिकल होती है, बॉडी ऑफ लीवर फ्लूक इज कवर्ड विद टैगमेन, टैगमेन होता है जिसे क्यूटिकल को कहते हैं, जिसमें पाए जाते हैं स्पाइन्स, माइनेट बैकवर्ड स्पाइन पाए जाते हैं या फिर स्केल्स जो क्यूटिकल है उस पर, दीज एंचार टू बॉडी बाल टू होस्ट बाइल डक्ट प्रोडक्ट इज बॉडी हेल्प इन द लोकोमोशन, जो स्केल्स हैं या फिर स्पाइंस स्केल्स हैं वो टेगमन यानी क्यूटिकल पर पाए जाते हैं, स्केल्स या स्पाइंस स्पाइनुलस जो यहाँ पर ये कार कहते हैं बॉडी को अटैच बॉडी में धसे रहते हैं, होस्ट की बॉडी बाल होस्ट एंड बाइल डक्ट, होस्ट की बाइल डक्ट में प्रोटेक्ट बॉडी और बॉडी की सुरक्षा करते हैं, इन द लोकोमोशन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और जो बाइल से ढसे रहते हैं बाइल होस्ट के बॉडी वॉल यहाँ पर यूनाइक ट्यूबलिन सिलिएटेड एपिडर्मिस अब्सेंट ट्रेमेटोड बॉडी वॉल फेसियोला कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सक्सेशन लेयर, जो बॉडी वॉल है फेसियोला की यहाँ पर इतनी लेयर पाई जाती हैं, टेमेन बेजमेंट मेम्ब्रेन मस्कुलेचर मेम्ब्रेन मेजेनकाइम, चार चीज़ें पाई जाती हैं, बेजमेंट मेम्ब्रेन मस्कुलेचर एंड मेजेनकाइम, और मेजेनकाइम यहाँ पर जो प्लेटियल मिंतीज में मेम्ब्रेन बीच में पाई जाती है, मेजेनकाइम जैसे पोरीफेरा में मेजेनकाइम पाई जाती है उसी तरह से इसमें भी टू लेयर के बीच मेजेनकाइम पाई जाती है, सिलेंटेट में मेसोवेलिया पाई जाती है टू एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच, और यहाँ पर पोरीफेरा यहाँ पर डिप्लोब्लाटिक है, सिलेंटेटा भी डिप्लोब्लाटिक है, और प्लेटियल मिंतीज डिप्लोब्लाटिक सीडोसिलोमेट वो आसिलोमेट एनिमल है, ये डिप्लोब्लाटिक आसिलोमेट एनिमल, और टैगमेंट बॉडीज कवर्ड एक्सटर्नली ए थिक नॉन सिलिएटेड साइटोप्लाज्मिक सिंसिशियल द टैगमेंट, यहाँ पर टैगमेंट क्या है, एक बॉडी कवरिंग है थिक नॉन सिलिएटेड साइटोप्लाज्मिक सिंसिशियम जिसे कहते हैं टैगमेंट, ये क्यूटिकल होती है और एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग होती है क्यूटिकल, और साइटोप्लाज्मिक सिंसिशियम जिसे कहते हैं टैगमेंट, व्हेन द ऑब्जर्व अलाइज द ऑर्डिनरी हाई स्कोप माइक्रोस्कोप इट अपेयर्ड नॉन सेलुलर एंड होमोलोगस बार रिगार्डेड एज द नॉन लिविंग क्यूटिकल, यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप में देखा गया था, तो लाइट वाले में लाइट माइक्रोस्कोप देखा गया था तो ये नॉन सेलुलर दिखाई दिया था, और जो कि समान था नॉन लिविंग सेल के नॉन लिविंग क्यूटिकल के सेल क्यूटिकल के समान था, मगर यहाँ पर इसके बाद में कुछ अभी जल्दी ही इसको इसमें अध्ययन किया गया था, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से थ्रेड गोल्ड के द्वारा जिसने यहाँ पर बताया था कि ये माइटोकांड्रिया इसमें पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, बैकुल्स पाई जाती हैं, पिनोसाइट पाई जाती हैं, और वेसिकल पाई जाती हैं यहाँ पर, अतः थस ओल्ड टर्म इज क्यूटिकल, ओल्ड टर्म का क्यूटिकल था इस रिजेक्टेड और इसे निरस्त कर दिया गया, और फेवर ऑफ एपिडर्मिस यहाँ पर जो एपिडर्मिस एपिडर्मिस के पक्ष में
और द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट फिर ट्रीटमेंट से कहते हैं क्योंकि इसमें सब चीज़ पाई गई थी, तो इसे यहाँ पर क्यूटिकल नहीं कहा गया। और फॉर द दिस आउटर साइटोप्लाज्मिक लेयर इट इज़ कंटिन्यूड विथ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, इसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। और जो सर्ताइन ट्रीटमेंट और सेक्रेटिंग सेल्स एयरलाइन क्यूटिकल सेक्रेटिंग सेल्स लाइन द मीजन का, इसमें मीजन का भी पाया गया था। और टर्गमेंट इज थिक टफ एंड कैपेबल ऑफ विथ स्टैंड द एक्शन ऑफ होस्ट डाइजेस्टिव जूसेस, टर्गमेंट एक थिक और यहाँ पर टफ कैपेबल होती है, अगर विथ स्टैंड अपने आप खड़ी हो सकती है, एक्शन ऑफ होस्ट के एंजाइम पर जूसेस पर रुक सकती है, उसके एंजाइम से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इट थस सर्व द आइडियल बॉडी ऑफ कवरिंग इंडो पैरासाइट, अतः यहाँ पर एक आदर्श कवरिंग होती है इंडो पैरासाइट की। फर्दर बेयर ऑल ओवर द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि सभी कई संख्या माइक्रोस्कोप में पाई जाती है क्यूटिकल या टैगमेंट, एंड बोर्ड बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस आर, जिसमें यहाँ पर बैक पीछे से पीछे साइड पर यहाँ पर बड़ी मात्रा में स्पाइंस या फिर स्पाइनुलस या स्केल्स पाई जाती हैं, जो कि बॉडी को होस्ट से चिपके रखती हैं। अनचार्ज द फ्लूक इन द होस्ट बाइल पैसेज, बाइल यहाँ पर जो बाइल का रहता है वहाँ पर इसे चिपकाए रहती हैं। रेंडर प्रोटेक्शन बॉडी फैसिलिटेट लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में सहायता करती हैं। यहाँ पर ये स्पेंस है, ये स्पाइंस या स्पाइकुलस कहते हैं इसे, स्पाइकल्स, ये क्यूटिकल है, ये बेजमेंट मेम्ब्रेन है, ये सर्कुलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये क्यूटिकल सेक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल हैं, ये मेसेनकाइम है। बेजमेंट मेम्ब्रेन दूसरा, यहाँ पर पहले क्या था टैगमेंट, बेजमेंट मेम्ब्रेन इमीडिएटली बेनेट द टैगमेंट द लाइट माइक्रोस्कोप शो द थिन बट वेल डेफिनेट एसिडोफिलिक बेजमेंट मेम्ब्रेन, हाउएवर विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली इट्स आउटर इट इज विसाइबल वाइल द इनर इज रिज अपेयर टू द मैरिज मर्ज रिस्पेक्टली इन पर रिस्पेक्टली फिथ अंडरलाइन टिश्यू। तो यहाँ पर बेज मेम्ब्रेन है एसिडोफिलिक है, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई दिया है इसमें विसाइबल वाइल इनर जो है आउटर जो किनारी है वो दिखाई देती है, इनर वाली है वो नहीं दिखाई देती है। इनसेक्टली अंडरलाइन द टिश्यू इन साइड द बेजमेंट, बेजमेंट मेम्ब्रेन आर द ट्रिगमेंट्री मसल्स, इसमें ट्रिगमेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। तीसरी है मस्कुलेचर, मस्कुलेचर यहाँ पर क्या था, बेजमेंट मेम्ब्रेन है इसमें एसिडोफिलिक थी ये, और इसकी आउटर किनारी दिखाई दी थी बाहर की, अंदर की नहीं। इनर इज अपेयर टू द मर्ज, इनर जो दिखाई दिया था मर्ज होती है यहाँ पर इन इम्परफेक्टली विद द अंडरलाइन टिश्यू, इम्परफेक्टली विद द अंडरलाइन टिश्यू इन साइड द बेजमेंट मेम्ब्रेन आर द ट्रिगमेंट्री मसल्स, इंटरमेंट्री यहाँ पर बेजमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाई गई थी। मस्कुलेचर बॉडी वाल मस्कुलेचर इंटीमेंट्री मसल्स इंक्लूड द आउटर सर्कुलर लेयर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जो मस्कुलेचर हैं बॉडी वाल मस्कुलेचर और इंटीमेंट्री मसल्स इंक्लूड आउटर, जो मस्कुलेचर हैं वो आउटर साइड में सर्कुलर होती हैं और इनर साइड पर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, आउटर साइड पर सर्कुलर होती है, इनर साइड पर लॉन्गिट्यूडनल होती है। इन डाइजीनिया, डाइजीनिया में क्या होता है फैसिओला, ये थर्ड लेयर ऑफ द ओब्लिक और द डायगोनल मसल्स फाइबर होते हैं यहाँ पर। डाइजीनिया क्या होता है, थर्ड जो लेयर होती है ओब्लिक होती है या फिर डायगोनल होती है, आउटर सर्कुलर होती है और इनर लॉन्गिट्यूडनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो कि डाइजीनिया के हिसाब से थर्ड लेयर ओब्लिक या फिर डायगोनल होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली जो है आउटर वाली सर्कुलर सर्कुलर होती है और इनर वाली जो है इनर वाली यहाँ पर ओब्लिक लॉन्गिट्यूडनल होती है इस तरह से।
ओब्लिक, और यहाँ पर इसमें थर्ड लेयर भी दिखाई देती है जो कि ओब्लिक डायगोनल होती है। और जो कि प्रेजेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जो कि लॉन्गिट्यूडनल लेयर में पाई जाती है। इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द लेयर इन द सकर्स मसल्स स्टाउट बंडल ऑफ द रेडियल फाइबर्स। मसल्स में रेडियल फाइबर पाए जाते हैं इम्पार्टिंग रेडियल एक्सटीरिएशन टू देम ऑल मसल्स फाइबर्स स्मूथ। इसमें मसल्स फाइबर स्मूथ पाए जाते हैं, रेडियल एक्सटीरिएशन पाई जाती हैं इन सभी में, रेडियल जो पाई जाती हैं स्टील्स। तो यहाँ पर ये मस्कुलेचर मसल थी, ये बेसमेंट मसल थी। तो मस्कुलेचर आउटर रेडियल आउटर सर्कुलर होती है और इनर होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और थर्ड होती है ओब्लिक या फिर डायगोनल। मीजेनकाइम या पेरेनकाइमा द डिस्पेकुलर टिश्यू ऑफ मेजोडर्मल ओरिजिन, जो मेजोडर्म में पाया जाता है फिर, यानी एक्टोर और इंडोर के बीच में, सराउंड द बैरियर ऑफ द इंटर ऑर्गन सर्विंग द सॉफ्ट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, जो इसमें यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल भरा होता है इसमें, एक प्रकार का पैकेजिंग मटेरियल देम, और जो कि वहाँ पर इंडो और एक्टो के बीच में पाया जाता है, एपिडर्मिस और एक्टोडर्मिस के बीच में पाया जाता है, एक्टो और इंडो के बीच में पाया जाता है एपिडर्मिस, तो ये दोनों के बीच में पाया जाता है। मेजेनकाइम पैरेनकाइमा इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लॉजली अरेंज्ड इररेगुलर यूनिन्यूक्लिएट बायन्यूक्लिएट एंड लार्ज फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेसेस। यहाँ पर जो फ्लूइड होता है इंट्रासेलुलर स्पेसेस यूनिन्यूक्लिएट और बायन्यूक्लिएट होता है, नंबर ऑफ लूजरी रेगुलर होता है इज रेगुलर यूनिन्यूक्लिएट एंड बायन्यूक्लिएट होती है, यानी यूनिल एक और दो या फिर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है इसका, यूनिन्यूक्लिएट बायन्यूक्लिएट विद द लार्ज फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, मेजेनकाइम। इसमें यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट बायन्यूक्लिएट अरेंजमेंट होती है, बैरियर ऑफ ऑर्गन होते हैं इसमें मेजोडर्म में, फ्लूड होता है इसमें लार्ज फ्लूड फिलेड भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस। सम ऑफ दी सेल्स आर लार्ज एंड हैव द प्रोसेस एक्सटेंडिंग टू द बेस ऑफ टेगमेंट विच दे आर बिलीव्ड सीक्रेट। सम ऑफ दीज आर द लार्ज एंड हैव प्रोसेस एक्सटेंडिंग टू द बेस ऑफ टेगमेंट विच दे बिलीव टू सीक्रेट। इन एडिशन टू इट्स स्केलेटन फंक्शन मेजेनकाइम आल्सो सर्व एज इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम सिंस प्लेटफॉर्म आर द डिवॉइड ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो इन एडिशन स्केलेटन फंक्शन मेजेनकाइम आल्सो सर्व एज इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट, इन एडिशन इसके अलावा स्केलेटन फंक्शन इसमें होता है, और इसके अलावा स्केलेटन फंक्शन होता है इसमें मेजेनकाइम सर्व एज इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें मीडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मीडियम पाया जाता है मेजेनकाइम या पेरेनकाइमा में, और सिंस प्लेटफॉर्म जब से डिवॉइड ऑफ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और यहाँ पर जब से इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है तब से मेजेनकाइम है जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह माध्यम से काम करता है। और यहाँ पर जो सेंसर और प्लेटफॉर्म ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल फेसियोला हाइपोटिका है द इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल लाग द एनस माउथ इज सिचुएटेड एट द इंटीरियर एंड द अराउंड बाय द ओरल सकर्स। ओरल सकर्स माउथ नहीं पाया, माउथ पाया जाता है यहाँ पर, एनस नहीं पाया जाता है। इनकम्प्लीट कैनाल होती है इसमें सराउंडेड बाय द ओरल सकर्स, ओरल सकर्स के चारों ओर घेरा होता है इंटीरियर माउथ। इट लीड टू इंटू ओवाइड पेरिनिक्स हैविंग ए स्मॉल नैरो और लूमिन थिक वॉल प्रोवाइड विथ रेडियल मसल्स। तो इट लीड्स इंटू द ओवाइड पेरिनिक्स हैविंग ए स्मॉल नैरो लूमन। इट लीड टू यहाँ पर यह प्रदर्शित करता है ओवाइड पेरिनिक्स हैविंग ए स्मॉल, इसमें अंडाकार पेरिनिक्स पाई जाती है और इसमें एक पतली सी थिक वॉल पाई जाती है जो कि रेडियल मसल एंड पेरिनिक्स मसल पाई जाती है। रेडियल इसमें पेरिनिक्स ओवाइड होती है और स्मॉल इसमें लूमन एंड थिक वॉल प्रोवाइड होती है और रेडियल मसल के सामने विथ रेडियल मसल्स एंड पेरिफेरल पेरिंजियल मसल्स।
रेडियल मसल पेंजियल ग्लैंड में पाई जाती है, किसमें, माउथ में एंटीरियर पार्ट पर। एलिमेंट्री कैनल में जो है इसमें एनएच नहीं पाया जाता है, इनकम्प्लीट यानी डाइजेशन सिस्टम इसका होता है। तो पेरेंजियल स्मॉल नैरो लूमेन पाया जाता है, इसमें रेडियल मसल पाई जाती है, पेरेंजियल ग्लैंड इटाल्टो फॉलोइड बाय शॉर्ट नैरो एसोफेगस। और पेरेंजियल गिल है इसमें पेरेंजियल ग्लैंड जिसमें शॉर्ट और नैरो एसोफेगस पाई जाती है। बीच इज लाइंड बाय द सिंगल लेयर, विच इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल एंड ओपन इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। विच इज लाइंड बाई सिंगल, विच इज लाइंड बाई सिंगल लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल्स एंड ओपन इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। विच इज लाइंड बाई सिंगल लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल एंड ओपन इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि यहाँ पर सिंगल लेयर से विच इज लाइंड बाई सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल एंड ओपन इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और ओपन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि एपिथेलियल सेल होती है इसमें। इंटेस्टाइन एट वंस फॉक इन टू द एट इंटेस्टाइन एट वंस वंस फॉक इन टू एट इन टू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रांच। इंटेस्टाइन है यहाँ पर दो भागों में बटी होती है, तो इसमें दो भाग होते हैं और जिसमें राइट एंड लेफ्ट और मेन ब्रांच आर लिप्स। ईच ब्रांच टर्मिनेट बाइंडली नियर द रियर एंड ऑफ द बॉडी। तो ईच ब्रांच है वो टर्मिनेट होती है ब्लाइंडली नियर द रियर एंड ऑफ द बॉडी, यहाँ पर रियर एंड द ब्लाइंड होती है टर्मिनेट थोड़ी सी कम किनारे पर। यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, एलिमेंट्री कैनाल सब चीज दिखाई दी है इसमें। ये माउथ है, ये ओरल सकर्स है, यहाँ पर मस्कुलर जो पेरिनिक्स है इसमें रेडियल मसल पाई जाती हैं, बाउटर और इनर पाई जाती हैं सर्कुलर। इसोफेगस है यहाँ पर जो कि लीड करती है इंटेस्टाइन, ये गोनोपोर है, ये सेकेंडरी सकर्स है जिसे एक्टिवलम कहते हैं, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन लिप्स हैं, ये इंटेस्टाइन है। और ये सीकियल डायवर्टिकुलम है, सीकल डायवर्टिकुलम, और यहाँ पर ये एस्केटरी पोर है जो फाइनली एंड पर है पोटीरियर एंड पर। गिव्स आउट नंबर ऑफ इरेगुलर साइड ब्रांच कॉल द सीका डाइवर्टिकुलम। तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है जो यहाँ पर कई जो ब्रांच है इंटेस्टाइन की जी यहाँ पर ब्लाइंडली है नियर बॉडी। तो यहाँ पर ईच ब्रांच होती है टर्मिनेट होती है इंटेस्टाइन की जो कि टर्मिनेट होती है और जो बनाती है आगे चलकर ये इंटेस्टाइन यहाँ पर टर्मिनेट होकर बनाती है नंबर ऑफ सीका डाइवर्टिकुलम, ये सीका या डाइवर्टिकुलम। तो वही बता रहा है गिव राइज और रेगुलर ब्रांचेस कॉल द सीका या डाइवर्टिकुलम ऑल द इट्स लेंथ, पूरी लंबाई में इसकी। सीका ऑफ आउटर साइड आर लार्ज एंड फर्दर ब्रांच। सीका जो आउटर साइड का है वो लार्ज एंड फर्दर ब्रांच होता है, वाइल द दोज इनर साइड आर द शॉर्ट एंड सिंपल होता है। ऑल द लॉन्ग लेंथ सीका आउटर ऑफ ऑल इट्स लेंथ सीका ऑफ आउटर साइड आर द लार्ज एंड फर्दर ब्रांच। ऑल लॉन्ग इट्स लेंथ सीका ऑफ आउटर साइड आर लार्ज एंड फर्दर ब्रांचड बाइल दोज ऑफ इनर साइड आर द शॉर्ट एंड सिंपल। ऑल अलोंग द लेंथ, पूरी लंबाई में यहाँ पर सीका पाए जाते हैं डाइवर्टिकुलम में। सीका आउटर साइड जो होते हैं लार्ज होते हैं, फर्दर ब्रांचड होते हैं। आउटर साइड पर यहाँ पर सीका लार्ज और ब्रांचड होते हैं, और बाइल इनर साइड पर होते शॉर्ट और सिंपल। इनर साइड पर शॉर्ट और सिंपल होते हैं, बाहर की तरफ होती है जिसे आउटर कहते हैं, और आउटर पर लार्ज और ब्रांचड होती है। तो अभी हमने देखा ही था ये इनर साइड ऑफ शर्ट होते हैं ये,
ये इनर साइड में शॉर्ट होते हैं और ये लार्ज में ब्रांच होती है और लार्ज होती है। ये ब्रांच हैं और लार्ज हैं। इनर साइड में आपका शॉर्ट है, ये यही बता रहा है यहाँ पर। शॉर्ट और सिंपल थे यहाँ पर इनर साइड वाले। पेरिनिक्स एंड ईसोफेगस आर द लोकेटेड इंटरनली बाय क्यूटिकल बाय द इंटेस्टाइन लाइन बाय द इंडोडर्मल कॉलमुलर एपिथेलियम सेल्स अराउंड विच दे विच इज ए थिन मस्कुलर कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। पेरिनिक्स जो है, पेरिनिक्स एंड ईसोफेगस आर कोटेड इंटरनली क्यूटिकल। जो पेरिनिक्स है और ईसोफेगस है यहाँ पर इंटरनली कवरेड होती है क्यूटिकल को। पेरिनिक्स एंड इंटरनली कोटेड होती है क्यूटिकल बाय क्यूटिकल के द्वारा। पेरिनिक्स और ईसोफेगस दोनों यहाँ पर ढके रहती हैं क्यूटिकल को। क्यूटिकल दोनों पेरिनिक्स और ईसोफेगस को ढके रहती हैं बाय द इंटेस्टाइन लाइन बाय द इंडोडर्मल इंडोडर्मल कॉलमुलर। तो यहाँ पर जो पेरिनिक्स है और यहाँ पर ईसोफेगस है वो यहाँ पर क्यूटिकल से ढकी रहती है, और जबकि इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर इंडोडर्मल कॉलमुलर एपिथेलियल सेल से ढकी रहती है, घिरी रहती है, कवर होती है। इसके चारों ओर राउंड थिन मस्कुलर कंसिस्टिंग सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर पाए जाते हैं। अराउंड इसके एपिथेलियल के चारों ओर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर पाए जाते हैं। किसके? इंटेस्टाइन के। और सीका एपिथेलियल में सेक्रेटरी ग्लैंड सी जो सीका जो क्या बता रहा है राउंड इट थिन जो एपिथेलियल सेल हैं वो कॉलमुलर एपिथेलियल सेल इनर साइड पर पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के, जो कि इनर साइड इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर कवर्ड होती है इंडोडर्मल कॉलमुलर एपिथेलियल सेल से। और आउटर से यहाँ पर क्यूटिकल पाई जाती है इसमें। और बता रहा है जो कि इसके चारों ओर जो इन कॉलमुलर एपिथेलियल इंडोडर्मल सेल होती है इसके चारों ओर यहाँ पर मस्कुलर लेयर होती है जो कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होती है इनर साइड पर किसके इंटेस्टाइन के। और सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर फाइबर इसमें पाए जाते हैं इंटेस्टाइन की कवरिंग में इनर साइड पर इंडोडर्मल जैसे कहते हैं। और सीकल एपिथेलियम सेल जो होती है वो सेक्रेट करती है सीकल एपिथेलियल सेल एपिथेलियम है सेक्रेटरी ग्लैंड सेल जो सीकल एपिथेलियम सेल है वो यहाँ पर सेक्रेटरी ग्लैंड सेल इसमें पाई जाती हैं। फूड एंड फीडिंग माइग्रेशन अकर इन द डोरी। फिर यहाँ पर सीकल जो एपिथेलियल सेल है वो यहाँ पर सेक्रेटरी ग्लैंड सेल होती है। इसके बाद फूड एंड फीडिंग माइग्रेशन अकर ड्यूरिंग द फीडिंग इट हैज बी फाउंड दैट हंगरी फ्लॉक माइग्रेट टू द स्मॉल बाइल डक्ट एंड कैपिलरीज फॉर द फीडिंग दे लाक दे सक अप फूड लिम्फ बाइल एंड द टिश्यू पैसिस। तो यहाँ पर जब भूखा हो जाता है ये तो हंगरी लोग से माइग्रेट हो जाता है यहाँ पर बाइल डक्ट एंड कैपिलरीज फॉर फीडिंग देशक ब्लड लिम्फ बाइल एंड टिशू पीसेस रस्पड अप बाय द ओरल सकर्स फ्रॉम द बाल ऑफ द बाइल पैसेज और सकर्स एंड मस्कुलर पेनिक सर्व द इफिशेंट सेक्टोरियल अपर्चर्स। तो मस्कुलर जो पेनिक्स है वो यहाँ कार्य करती है सेक्टोरियल अपर्चर की तरह। मुझे ब्लड यहाँ पर सक करता है फूड सक करता है यहाँ पर लिम्फ से बाइल से और टिशू पर टिशू को तोड़कर लिम्फ बाइल एंड टिशू बाइल डक्ट में माइग्रेट करता है और लिम्फ बाइल और टिशू को यहाँ पर टिशू से फूड ड्रॉप करता है बाय द सेट ऑफ ओरल सकर्स बाइल पैसेज में फ्रॉम बाइल पैसेज बाल ऑफ बाइल पैसेज ओरल सकर्स एंड मस्कुलर पेरिनिक सर्व एज द इफिशेंट सेक्टोरियल अपर्चर्स और डाइजेशन। तो इसमें क्या सेक्टोरियल अपर्चर से क्या करता है
oral sucker से वो muscular pyrenic cervus दे efficient sectorial apertures digestion यहाँ पर digestion बीची जो extra cellular take place in intestine in distribution of digested food is the completed by the ramifying diverticula of the intestine added by mesenchyme digestion which is extracellular take place in the intestine digestion extracellular होता है जो कि यहाँ पर intestine में होता है distribution of digested food in the completed by the ramifying diverticula of intestine added by the mesenchyme there is no being circulatory system यहाँ पर डायबर्टिकुला के द्वारा रेमिफाइंग फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी फूड भोजन बांटा जाता है जो कि यहाँ पर इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है मेसेनकाइम में देयर बीइंग नो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है बास्ट मटेरियल डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग मेसेनकाइम जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज होता है इनटू द सराउंडिंग मेसेनकाइम जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पर डिफ्यूज होता है सराउंडिंग मेसेनकाइम में और द इजेस्टेड थ्रू द माउथ क्योंकि इसमें एनथ नहीं होता है तो जो है वेस्ट मटेरियल है वो माउथ के द्वारा इजेक्ट किया जाता है मोनोसैकेराइड शुगर लाइक ग्लूकोज मोनोसैकेराइड शुगर्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैन डिफ्यूज डायरेक्टली इन टू द बॉडी ऑफ लोग थ्रू इट्स जनरल सरफेस मोनोसैकेराइड शुगर्स लाइक ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज कैन डिफ्यूज हो जाती है डायरेक्ट बॉडी सरफेस के द्वारा और जनरल बॉडी सरफेस द्वारा ऑब्जर्वेशन ऑफ सम डाइजेस्टेड फूड एंड अमोनिया ऑब्जर्वेशन जो है सम डाइजेस्टेड फूड जैसे अमोनिया फूड अमोनिया एसिड अमीनो एसिड आल्सो टेक प्लेस इन थ्रू इंटूमेंट तो इंटूमेंट के द्वारा जो अमीनो एसिड है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है थ्रू इंटूमेंट के द्वारा अमीनो एसिड को ऑब्जर्व कर लिया जाता है दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द नंबर ऑफ फाइन फोल्ड फॉर्मेड बाय द टेगमेंट ऑन द इट्स अदर सरफेस आउटर तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है वो ऑब्जर्व किया जाता है टेगमेंट के द्वारा जो कि आउटर सरफेस की टेगमेंट यानी क्यूटिकल होता है फूड रिजर्व फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन एंड फैट इन मेसेनकाइम एंड मसल्स जो फूड है वो रिजर्व होता है यहाँ पर ग्लाइकोजन और मेसेनकाइम ग्लाइकोजन और फैट है जो रिजर्व फूड के रूप में रहता है जो मेसेनकाइम और मसल्स में रहता है रेस्पायरेशन ऑक्सीजन कंटेंटेड बाइल बीइंग द एक्सटर्नली लो रेस्पायरेशन इज फेसिओला हिपेटिका इज जनरली एरोबिक अनारोबिक या अनऑक्सीबायोटिक क्योंकि यहाँ पर इंडोपैरासाइट होता है जी क्योंकि एंडोपैरासाइट होता है ये तो फेसिओला हिपेटिका सो इसलिए एनारोबिक या अनऑक्सीबायोटिक और रेस्पायरेशन होता है इसमें इन दिस प्रोसेस ग्लाइकोजन प्रेजेंट ऑफ रिजर्व फूड इन दिस प्रोसेस में ग्लाइकोजन है वो प्रेजेंट ऑफ रिजर्व फूड ब्रेकअप एनारोबिक और ग्लाइकोलाइसिस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड इन दिस प्रोसेस में यहाँ पर ग्लाइकोजन जो कि सर फूड की तरह रिजर्व फूड मटेरियल की तरह होता है ब्रेकअप बाय द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड लैक्टिक एसिड एंड इट्स लैक्टिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस
CO2 डिफ्यूज आउट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस वेयर द फैटी एसिड लैक्टिक एसिड गेट एलिमिनेट थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन टूटता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। और CO2 जो डिफ्यूज आउट होती है यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, जो CO2 बनती है ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, और जो CO2 बनती है वो डिफ्यूज द्वारा निकाल दी जाती है बॉडी से। बेयर द फैटी एसिड है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, गेट एलिमिनेट थ्रू द फैटी एसिड बनता है, जो वो फैटी एसिड बनता है जो यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बनता है, जो एलिमिनेट किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में फैटी एसिड। CO2 जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा निकाल दी जाती है, और फैटी एसिड जो है वो यहाँ पर और निकाला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ एनर्जी, इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं इस रिएक्शन को, यानी CO2 को रिजर्वोर मटेरियल ग्लाइकोजन को टूटता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें यहाँ पर CO2 और क्या बनता है फैटी एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड बनता है ग्लाइकोजन टूटने पर। इस प्रोसेस कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ एनर्जी इफ़ द ऑक्सीजन इज अवेलेबल एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध होगी इसे तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। फोटोनेफिडिया आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो फोटोनेफिडिया एक मेन करेक्टर है यहाँ पर प्लेटीहेलमिंथीज का, फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज या निमेटोड्स। फोटोनेफिडिया सेलोनेसाइट्स फ्लेम सेल, ये सारे टेक्चर हैं प्लेटीहेलमिंथीज के। दिस सिस्टम कंसर्ट विद द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज द सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लेनेरियंस, तो ये सिस्टम जो है संबंधित है ऑस्मोरेगुलेशन से, सिमिलर टू प्लेनेरिया, जैसे प्लेनेरिया है प्लेरियंस जो कि निमेटोड्स है। इट इज़ अ कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल और फ्लेम बल्ब और फोटोनेफिडिया, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बना होता है फ्लेम सेल से या बल्ब से, या फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब या फिर फोटोनेफिडिया। कनेक्टेड विथ आर्टरी कैट सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट, जो कि एक्सक्रीटरी डक्ट से यहाँ पर जुड़े होते हैं फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब या फोटोनेफिडिया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं प्लेटीहेलमिंथीज के। क्या क्या फ्लेम सेल्स फ्लेम बल्ब और यहाँ पर प्रोटोनेफिडिया, जो कि जुड़े होते हैं सिस्टम ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ एरिया ऑफ ऑर्डर्स। फ्लेम सेल आर द प्रोटोनेफिडिया बीच देम सेल आर मॉडिफाइड, फ्लेम सेल आर द प्रोटोनेफिडिया बीच देम सेल आर मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स, फ्लेम सेल हैं या फिर प्रोटोनेफिडिया वो स्वयं अपने आप यानी मॉडिफाइड हो जाती है मेसेंकाइमल सेल में। मेसेंकाइमल सेल आर द डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेसेंकाइम इन द स्पेसिफिक पैटर्न, फ्लेम सेल आर द प्रोटोनेफिडिया हैं बीच देम सेल आर मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेसेंकाइम इन द स्पेसिफिक पैटर्न। तो मेसेंकाइम सेल या फिर प्रोटोनेफिडिया, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफिडिया बीच देम सेल आर मॉडिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेसेंकाइम इन स्पेसिफिक पैटर्न कॉल द फ्लेम सेल पैटर्न बाय द ब्रस्ट। फ्लेम सेल आर द प्रोटोनेफ्रिया बीच देम सेल मॉडिफाइड मेसेंकाइम सेल्स, फ्लेम सेल हैं या फिर प्रोटोनेफ्रिया वो यहाँ पर खुद स्वयं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं देम सेल डिस्ट्रीब्यूटेड मेसेंकाइम इन द स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न में जिसे कहते हैं
फ्लेम सेल पैटर्न या फिर फ्लेम सेल पैटर्न कहा जाता है फॉस्ट के द्वारा। फ्लेम सेल या पोटोनेफ्रिडिया है, पोटोनेफ्रिडिया बीच देम सेल आर मॉडिफाइड, जो कि स्वयं मॉडिफाइड हो जाते हैं मेसेनकाइमल सेल में। मेसेनकाइमल सेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेसेनकाइम, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बढ़ जाते हैं मेसेनकाइम में, थ्रू आउट संपूर्ण मेसेनकाइम में इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। तो इस पैटर्न को कहते हैं फ्लेम सेल पैटर्न बाय फ्रॉस्ट। 1990 दे आर द असली इरेगुलर प्लेस शेप एंड सेड सेंड आउट द दे आर असली ऑफ रेगुलर दे आर असली ऑफ इरेगुलर शेप एंड सेंड आउट। यहाँ पर ये असामान्य शेप और सेंड आउट द साइटोपोडियल प्रोसेस, जो कि साइटोपोडियल प्रोसेस भेजते हैं इन दो सराउंडिंग द टिशू, के चारों। ईच फ्लेम सेल हैज इंट्रासेलुलर लूमन, ईच जो फ्लेम सेल है वो इंट्रासेलुलर लूमन होता है इसमें। तो फ्लेम सेल है यहाँ पर जिसमें इंट्रासेलुलर लूमन पाया जाता है। यहाँ पर एस्केटरी सिस्टम में यह फैसिओला दिखाया गया है। यहाँ पर यह गोनोपोर है, यहाँ पर पीछे वाला यानी पोस्टीरियर और सकर्स है जिसे एसिट्यूबुलम कहते हैं, ये ओरल सकर्स है, ये माउथ है और माउथ में यहाँ पर सेल्फ्यूल मसल पाई जाती हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रेडियल मसल पाई जाती हैं। और ये फिलाम सेल्स हैं, ये फ्लेम सेल हैं, ये ज्वाला सेल्स। और यहाँ पर एस्केट्री ये ट्रंक है, ये मैन डोंगी टूडल एस्केट्री कैनाल्स हैं। ये यहाँ पर कैनाल्स हैं लोंगी टूडल, ये वाली। और यहाँ पर ये एस्केट्री ट्रंक है, ये एस्केट्री पोर है, ये यहाँ पर फ्लेम सेल, यही इसकी जो अभी दिखाई दी यही फ्लेम सेल्स जो हैं, ये इसका अलग चित्र है डायग्राम अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, साइटोपोडिया हैं ये, ग्लोबल ग्लोबल्स एस्क्रीशन है, ये बेसल ग्रैनुलर्स हैं और ये स्ट्रक्चर पूरा फ्लेम सेल का है। और यहाँ पर ये ल्यूमन ल्यूमन सेल है, ये सेलरी फ्लेम है, ये सीलिया है, ये सेलरी फ्लेम है, ये टर्मिनल कैपिलरी डक्ट है, ये टर्मिनल कैपिलरी डक्ट है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोपोडियम पाया जाता है, साइटोपोडिया ग्लोबुल्स ऑफ एक्सक्रीशन और बेसल ग्रैनुलर्स फ्लेम सेल्स और यहाँ पर ल्यूमन सेल्स, सेलरी फ्लेम, टर्मिनल डक्ट, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पर ल्यूमन सेल या फिर कैप्टी इन द बिच हैंग न्यू एफ्यू लॉन्ग सीलिया ईच राइजिंग फ्रॉम द बेसल ग्रैनुल्स सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म इन द लिविंग फ्लोक लीवर फ्लोक सीलिया वेवरेट लाइक द फ्लिकिंग ऑफ द फ्लेम सेल हैंस द नेम फ्लेम सेल। इसीलिए यहाँ पर फ्लेम सेल इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सीलिया है फ्लेम सेल की तरह होते हैं, वाइब्रेट यहाँ पर कंपन करते हैं, फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम। एस्केटरी डक्ट लूमन ऑफ द फ्लेम सेल, इस सेल इस कंटेन आउट विथ माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट, लूमन ऑफ फ्लेम सेल इज कंटेन आउट विथ माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट
जो कि यहाँ पे लूमन सेल है, इसमें कैपिलरी डक्ट पाई जाती है। कैपिलरी डक्ट फ्रॉम द फ्यू प्रोटोनेफेडिया ओपन इनटू द नैरो कलेक्टिंग ट्यूब। लूमन ऑफ द फ्लैम सेल इज कंटिन्यूअस विथ माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट फ्रॉम ए फ्यू प्रोटोनेफेडिया ओपन टू नैरो कलेक्टिंग डक्ट। तो कैपिलरी डक्ट है वहाँ पर कुछ प्रोटोनेफेडिया होते हैं, प्रोटोनेफेडिया जो कि ओपन होते हैं यहाँ पर नैरो कलेक्टिंग डक्ट में, नैरो कलेक्टिंग ट्यूब फिलाम लूमन ऑफ फिलाम सेल कंटिन्यूअस विद द माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट। तो यहाँ पर ये लूमन फिलाम सेल हैं तो कंटिन्यूअस होते हैं माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी डक्ट में। कैपिलरी डक्ट फ्यू इसमें फ्यू नेफ्रोस प्रोटोनेफ्रिया पाए जाते हैं जो कि ओपन होते हैं नैरो कलेक्टिंग ट्यूब। सेवरल सच ट्यूबल्स ओपन इनटू द लार्जर टोइंग्स। प्रोटोनेफ्रिया की जो यहाँ पर ट्यूबल्स होती हैं कलेक्टिंग ट्यूबल्स, वो यहाँ पर सेवरल ट्यूबल्स ओपन होती हैं लार्ज ट्विंग्स में, एक लार्ज ब्रांच में। बीचीज द टर्न इनटू द बेसल, जो कि बेसल में मुड़ जाती हैं। और एसकेटी बेसल इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ओपन इनटू द फोर ट्रंक। जो बेसल्स हैं इंटीरियर पार्ट जो यहाँ पर ट्रंक वो ट्रंक में बदल जाती हैं, जो कि टू डोर्सल होती हैं टू वेंट्रल होती हैं। इंटीरियर पार्ट होता है ओपन होता है वो यहाँ पर फोर ट्रंक में, जिसमें यहाँ पर टू डोर्सल होती है टू वेंट्रल होती हैं, बीच यूनाइट पोस्टली फॉर्म सिंगल मेंडेलियन लॉन्गिट्यूडनल एस्केटरी कैनाल्स। इट इज़ एक्सटेंडेड टू पोस्टेरियर एंड बॉडी बेयर इज ओपन आउट थ्रू द सिंगल एस्केटरी पोर सिट्यूटेड समवॉट वेंट्रली। तो यहाँ पर इट इज एक्सटेंडेड पोस्टेरियर, जो एस्केटरी लॉन्गिट्यूडनल एस्केटरी कैनाल्स होती हैं सिंगल मीडियन होती हैं यहाँ पर वेंट्रल। तो जो ट्यूबल्स होती हैं एस्केटरी बेसल होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडल एस्केटरी पोर एस्केट अप टू द पोस्टीरियर एंड इट इज ओपन आउट थ्रू द सिंगल एस्केटरी पोर। तो जो लॉन्गिट्यूडल एस्केटरी कैनाल हैं वो सिंगल पोस्टीरियर बॉडी पर ओपन होती हैं सिंगल एस्केटरी पोर के द्वारा सिट्यूटेड समवॉट वेंट्रली, जो कि कुछ वेंट्रली पर वेंट्रल सतह पर पाया जाता है। एस्केटरी वेसल्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ओपन इनटू डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडल एस्केटरी कैनाल्स आर डक्ट एक्सपेट द सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट आर द लाइंड विथ सीलिया। और यहाँ पर सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है वो यहाँ पर सभी डक्ट हैं जो एक्सेप्ट यहाँ पर सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है उसको छोड़कर सभी सीलिया उसमें पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्सक्रीशन मेन एस्केटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्लो आर द फैटी एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। फैटी एसिड कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ये सारी चीज़ें हैं मेन एस्केटरी प्रोडक्ट है फ्लो का। दीज आर सबस्टेंस दीज आर सबस्टेंड फ्यूज डिफ्यूज इंटू द प्रोटोनेफ्रिया। जी यहाँ पर जो अभी बताया था क्या क्या था, एस्केटरी जो मटेरियल है अमोनिया थी, फैटी एसिड था, फैटी एसिड अमोनिया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोटोनेफ्रिया के द्वारा
बाहर निकाली जाती हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर फिलाम सेल का अरेंजमेंट, ये फिलेम सेल का स्ट्रक्चर है, ये फिलेम सेल है, यहाँ पर ये कैपिलरी डक्ट है, लूमन फिलेम सेल कैपिलरी ट्यूबल्स हैं, ये एस्केटरी वेसल्स हैं ये, और ये एस्केटरी ट्रंक है, एस्केटरी कैनाल है ये। तो डिफ्यूज होता है एस्केटरी मटेरियल क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैटी एसिड अमोनिया, और जो कि डिफ्यूज होते हैं प्रोटोनोफोडिया में यानी फ्लेम सेल में, फिर हम द सराउंडिंग मेसेनकाइम, जो कि मेसेनकाइम है इसके चारों ओर से। तो डिफ्यूज होता है एस्केटी मटेरियल प्रोटोनोफोडिया में या फ्लेम सेल में, फिर हम द सराउंडिंग मेसेनकाइम अपने मेसेनकाइम के चारों ओर से, और मेसेनकाइम है यहाँ पर मॉडिफाइड सेल होती हैं, यहाँ पर प्रोटोनोफोडिया या फ्लेम सेल होती हैं मेसेनकाइम में रूपांतरित होती हैं। एस्केटरी फ्लूइड आर द कैप्ट, एस्केटरी फ्लूइड आर कैप्ट मूविंग थ्रू आउट द ट्यूबल्स, एस्केटरी जो फ्लूइड है वो कीप्ट किया रखा जाता है पर कैप्ट मूविंग थ्रू ट्यूबल्स बाय द एक्शन ऑफ एलिया, एस्केटरी फ्लूइड्स है वो यहाँ पर रखा जाता है मूविंग, एस्केटरी फ्लूइड्स आर कैप्ट मूविंग थ्रू द ट्यूबल्स बाय द एक्शन ऑफ एलिया एंड फाइनली स्क्यूज्ड आउट थ्रू ऑफ द एस्केटरी पोर बाय द कंडक्शन ऑफ द बॉडी। तो जो एस्केटरी फ्लूइड है वो यहाँ पर मूविंग किया जाता है यहाँ पर ट्यूबल्स बाय द एक्शन ऑफ एलिया, जो एस्केटरी फ्लूइड है यहाँ पर लगातार गति करता है और किसके द्वारा, सेलिया के द्वारा, ट्यूबल की जो ट्यूबल्स हैं उसके सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता रहता है एस्केटरी प्रोडक्ट या फ्लूइड, फाइनली सिक्योर या फाइनली यहाँ पर जाम हो जाता है, रुक जाता है कहाँ, एस्केटरी पोर में बाय द कंट्रक्शन ऑफ बॉडी के कंट्रक्शन होने के बाद स्क्यूज कर दिया जाता है एस्केटरी पोर में बाय द कंट्रक्शन ऑफ द बॉडी से, और द एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेट फाउंड इन द फ्लेम सेल एंड कलेक्टिंग ट्यूबल सर्वर्स द सिलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ केमिकल सबस्टेंस। दो एंजाइम है एल्केलाइन फॉस्फेट फाउंड इन द फ्लेम सेल, जो यहाँ पर फॉस्फेट होता है एल्केलाइन वो पाया जाता है फ्लेम सेल में, एंजाइम जो एल्केलाइन फॉस्फेट है वो फाउंड होता है यहाँ पर फ्लेम सेल में और कलेक्ट होता है यहाँ पर सिलेक्टिव ट्रांसफर में ऑफ केमिकल सबस्टेंस में। तो यहाँ पर जो सम फ्लेम सेल है यहाँ पर जो एंजाइम होता है एल्केलाइन वो फॉस्फेट वो फाउंड यहाँ पर पाया जाता है फ्लेम सेल में, जो कलेक्ट होता है ट्यूबल्स में और जो कि सिलेक्टिव ट्रांसफर के रूप में केमिकल की तरह यूज किया जाता है, सिलेक्टिव ट्रांसफर के रूप में केमिकल की जो एल्केलाइन फॉस्फेट है वो यूज किया जाता है, जो कि कलेक्टिंग ट्यूबल में पाया जाता है एल्केलाइन फॉस्फेट, और सिलेक्टिव ट्रांसफर केमिकल के रूप में यूज किया जाता है। सम नाइट्रोजन वेस्ट आर आल्सो पास्ड इनटू द एस्केटरी एक्सटीरियर थ्रू द सरफेस ट्रीटमेंट, कुछ यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट है वो यहाँ पर पास किया जाता है एस्केटरी एक्सटीरियर थ्रू द सरफेस ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के द्वारा कुछ नाइट्रोजन मटेरियल है वो पास किया जाता है यहाँ ट्रीटमेंट के द्वारा। प्रोटोनोफोडियल सिस्टम इज द एस्केटरी एस वेल एस ऑस्मोरेगुलेटरी सेंस इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, प्रोटोनोफोडिया है यहाँ पर वो यहाँ पर एस्केटरी सिस्टम के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम करते हैं, सेंस इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ बॉडी, जब तक यहाँ पर ये जब तक रहते हैं जब तक यहाँ पर जो सेंस इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ बॉडी इन द फ्लूइड यहाँ पर कंट्रोल ना हो जाए, जब तक सेंस इट कंट्रोल द जब तक ये कंट्रोल ना हो जाए बॉडी फ्लूइड,
तो प्रोटोनोपोडिया स्केटी के साथ साथ ऑस्मोलिगेटरी भी होते हैं। जब से यहाँ पर कंट्रोल द बॉडी फ्लूड, तो प्रोटोनोपोडिया दोनों काम करते हैं यहाँ पर, एस्क्रीशन और एस्केटरी सिस्टम, एस्केटरी एस्क्रीशन और ऑस्मोलिगेटर दोनों काम करते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिक पैरासिटिक एडल्ट फ्लूप लाग द सेंस ऑफ ऑर्गन। नर्वस सिस्टम हाउएवर द कंसीडर डिपेंड अपॉन द रिसेम्बल टूबुलेरियन प्लान। ब्रेन फॉर्म द कोलर रिंग्स और सेवरल रिंग्स अराउंड द पैरिनिक्स बियर ए लेटरल। सेरिबल गंगलिया एंड वेंट्रल गंगलिया फाइन सर्वस अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड सप्लाई द एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन। सकर सेलेक्टिव द मोर लेबर लिबरल सप्लाई। थ्री मैन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड एक्सटेंडेड पोस्टली गिवराई गिविंग आउट द नंबर ऑफ फाइन पेरीफेरल ब्रांच टू बैरियाउस ऑर्गन्स ऑफ दीज ए पेयर डोर्सल एंड वन पेयर वेंट्रल और लेटरल। तो जिसमें गंगलिया पाई जाती हैं वेंट्रल गंगलिया और सेरिब्रल गंगलिया, और जिसमें वेरियस ऑर्गन होते हैं ऊपर और डोर्सल एंड वेंट्रल लेटरल और लाइक डोर्सल एंड वेंट्रल कार्ड लेटरल आर द बेल डेवलप्ड कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स कमीशियर। बेल डेवलप्ड होते हैं पर लेटरल कार्ड, तो यहाँ पर आप दीज पेयर होते हैं, ये वन पेयर और डोर्सल होते हैं, वन पेयर वेंट्रल होते हैं, जो क्या होते हैं वन पेयर वेंट्रल होते हैं और दी थ्री पेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड होते हैं, और जिसमें यहाँ पर पोस्टली गिवराइज नंबर ऑफ फाइन पेरिफेरल ब्रांचेस वेरियस ऑर्गन ऑफ दीज वन पेयर डोर्सल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं नर्व कार्ड वन पेयर डोर्सल होते हैं, वन पेयर वेंट्रल होते हैं नर्व कार्ड एंड वन पेयर डोर्सल वन पेयर वेंट्रल एंड वन पेयर डोर्सल एंड वन वेंट्रल वन लेटरल। अनलाइक द डोर्सल एंड वेंट्रल कार्ड लेटरल कार्ड आर द बेल डेवलप्ड कनेक्टेड विद द फ्यू ट्रांसवर्स कमीशियर। लेटरल यहाँ पर वेंट्रल डोर्सल वन पेयर होते हैं, टू पेयर डोर्सल होते हैं, वन वेंट्रल और वन लेटरल। तो लेटरल वाले होते हैं वो यहाँ पर बेल डेवलप्ड होते हैं और जो कि कनेक्ट होते हैं ट्रांसवर्स कमीशियर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम फैसिओला हाइब्रिडिका हेमाप्रोडाइट है, गोनेड है, बेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल जेनिटल डक्ट ओपन इन टू द कम चेम्बर ओपन इन टू द चेम्बर द जेनिटल रिबटियम इज द एंटीरियर बॉडी एंड ओपन एक्सटीरियर थ्रू द कॉमन जेनिटल अपर्चर्स आर द गोनोपोर। फैसिओला हाइब्रिडिका इज द हर्मापोराइट गोनड होता है, जिसमें हर्मापोराइट होता है, गोनड डेवलप होते हैं मेल फीमेल एक ही एनिमल में, जो कि जेनिटल डक्ट ओपन होती है, यहाँ पर जेनिटल ओपन इन टू कॉमन चेम्बर। जेनिटल आरटीएम द जेनिटल आरटीएम इज द सिट्यूटेड एंटरली इन द बॉडी ओपन इन टू द एक्टेरी जो जेनिटल आरटीएम है वो यहाँ पर सिट्यूट होती है आगे की ओर, यानी एंट्रीली बॉडी शरीर में आगे की ओर और ओपन होती है यहाँ पर एक्टेरियर बाहर की ओर थ्रू द कॉमन जेनिटल अपर्चस के द्वारा बाहर की ओर खुलती है आर द गोनोपोर या फिर जेनिटल अपर्चर के द्वारा खुलती है आर्टरियम जो कि जेनिटल सिस्टम होता है। लोकेटेड वेंट्रली जस्ट द फ्रंट ऑफ द एसिटिबुलम जो कि वेंट्रल पर पाई जाती है सामने का है कि एसिटिबुलम या फिर वेंट्रल सर्कस वेंट्रल सर्कस के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो यहाँ पर टेस्टिस पेयर ए पेयर टेस्टिस होती है, इसमें एक पेयर टेटीज होते हैं हाईली ट्यूबुलर होते हैं, ए पेयर होते हैं हाईली ट्यूबुलर होते हैं, ए पेयर टेटीज हाईली ट्यूबुलर लाई इन द टेडनम अरेंजमेंट।
वन बिहाइंड द अदर, तो टेंडम यानी वन बिहाइंड द अदर, वन पेयर टेटिज होते हैं जो कि टेंडम अरेंजमेंट होते हैं, और कॉपिंग ओकोपिंग ये लार्ज स्पेस जो कि लार्ज एरिया घेरते हैं, मिडल पोस्टीरियर रीजन ऑफ बॉडी, मिडल और पोस्टीरियर पीछे आधे भाग में, इंटीरियर द पोस्टीरियर टेटिज आर मॉर्फोलॉजिकल लेफ्ट एंड राइट टेटिज, मॉर्फोलॉजिकल इन्हें राइट और लेफ्ट टेटिज कहा जाते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर को राइट और लेफ्ट और टेटिज कहा जाता है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, इंटीरियर पोस्टीरियर जो टेटिज होते हैं उन्हें मॉर्फोलॉजिकल लेफ्ट एंड राइट टेटिज कहा जाता है रिस्पेक्टली। जो इंटीरियर होते हैं उसे राइट और जो पोस्टीरियर होते हैं उन्हें लेफ्ट टेटिज कहा जाता है। और एपिथीलियम लाइनिंग द टेटिज, एपिथीलियम होती है वो यहाँ पर जुड़ी होती है टेटिज से, गिव राइज स्पर्म, एपिथीलियम है जो टेटिज से जुड़ी होती है जिसकी स्पर्म बनते हैं, जिसमें वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स लीडिंग फॉर्म इज टेटिज, तो बार डिफरेंस यहाँ पर सेमिनल वेसिकल था वो यहाँ पर एक टेटिज को जो लीडिंग यहाँ पर बनाते हैं टेटिज को, ये नैरो सिलेंडर स्पर्म डक्ट आर द बास डिफरेंस, द टू बास डिफरेंस रन साइड बाय साइड इंटरली अप टू द लेवल ऑफ द एसिटुबुलम, तो जो बास डिफरेंस हैं टू बास डिफरेंस हैं वो रन होती हैं पर किनारे किनारे एंटरली अप टू द एंटीरियर की तरफ अप टू द एसिटुबुलम, एसिटुबुलम तक वेयर दे बिकम यूनाइटेड, और यहाँ पर जो इकट्ठी हो जाती हैं लार्ज पेयर शेप्ड और सेमिनल वेसिकल या फिर स्टोरेज स्पर्म, तो यहाँ पर स्टर्म हो जाती हैं जो कि सेमिनल वेसिकल या फिर स्टोरेज स्पर्म को करती हैं। बास डिफरेंस और यहाँ पर सिरसस सेक एंटरली पाई जाती है सिरसस सेक फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल अराइज नैरो एंड संभार ट्विस्टेड ट्यूब, और सिरसस यहाँ पर एंटरली साइड पर पाई जाती है जो कि सेमिनल वेसिकल अराइज होती है नैरो एंड संभार ट्विस्टेड, कुछ यहाँ पर ट्विस्टेड होती है संभार ट्विस्टेड ट्यूब इजाकुलेट डक्ट होती है, संभार ट्विस्टेड ट्यूब एग्जैकुलेटरी डक्ट विच एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड इंटर द तो एग्जैकुलेटरी डक्ट है विच एक्सटेंडेड फ्रॉम फॉरवर्ड एंड इंटर ऑफ स्टाउट मस्कुलर एंड एक्सटेंड अप टू द कॉमन जेनाइटल आर्टियम इनटू द बीच ओपन बाय द मेल जेनाइटल अपर्चर्स। एक्जलाकुरी डक्ट है यहाँ पर तो क्या था यहाँ पर सिरसस जो सिरसस सिररस सेक होती है जिसे कहते हैं पेनिस या फिर सिरसस, जिसमें पाया जाता है सिरसस सेक में पेनिस या फिर और सिरसस और अंटेली जो है सेमिनल वेसिकल अराइज होता है यहाँ पर आगे को सेमिनल वेसिकल अराइज होता है और संभार द ट्विस्टेड कुछ यहाँ पर मुड़ी हुई थी ट्यूब होती है जिसे एक्जाकुलेटरी डक्ट कहते हैं बीच एक्सटेंड इंटर थ्रू द मस्कुलर जो कि एक्सटेंड आगे की ओर यहाँ पर स्टाउट मस्कुलर होती है रिवर्सिबल कॉर्पुलेटरी आर्गन द पेनिस आर द सिरसस इज एक्सटेंडेड अप टू द कॉमन जेनाइटल आर्टरी, यहाँ पर ये सिरसस या फिर कॉर्पुलेटरी आर्गन पेनिस जो कि यहाँ पर जेनाइटल अपर आर्टरियम तक रहता है फैला हुआ इट बीच इज द ओपन बाय द जो कि ओपन होता है मेल जेनाइटल अपर्चर्स के द्वारा जेनाइटल आर्टरियम इज टर्न ओपन और आउटसाइड थ्रू द कॉमन जेनाइटल आर्टरियम है वो यहाँ पर ओपन होती है आउटसाइड बाहर की ओर थ्रू द गोनोपोर, तो जेनाइटल आर्टरियम होती है वो यहाँ पर गोनोपोर के द्वारा होती ओपन होती है बाहर की ओर, और जो सिरसा से यानी पेनिस वो यहाँ पर कहाँ तक फैला होता है जेनाइटल आर्टरियम तक फैला होता है फैला
नंबर ऑफ यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड एंड ओपन इनटू द एजाकुलेटरी डक्ट दे एल्केलाइन सेक्रेशन हेल्प इन द फ्री मूवमेंट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। नंबर ऑफ यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड एंड ओपन इनटू द एजाकुलेटरी डक्ट, जो नंबर ऑफ यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो यहाँ पर सराउंड घिरी रहती है एंड ओपन होती है, सराउंडेड एंड ओपन होती है इनटू द एजाकुलेटरी डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यहाँ पर घिरी और ओपन होती है एजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा डक्ट में, और देयर द एल्केलाइन सेक्रेशन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। जो इसका एल्केलाइन जो है सेक्रेशन होता है जिसे मीसेस कहते हैं, जो कि स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए कॉपुलेशन के समय हेल्प करता है। सिरसत प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ओपन होती है एजाकुलेटरी डक्ट में, एजाकुलेटरी डक्ट में क्योंकि यूनिसेलर होती है, नंबर ऑफ यूनिसेलर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो ओपन होती है एजाकुलेटरी डक्ट और एजाकुलेटरी डक्ट से घिरी हुई रहती है। देयर एल्केलाइन सेक्रेशन हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सिरसत प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल आर इनक्लोज द सिरसत पाउच, जो सिरसत यानी पेनिस प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स इनक्लोज होती हैं सिरसत पाउच में। ये सारी चीज़ें क्या क्या, पेनिस यानी सिरसत, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये सभी सिरसत पाउच में बंद रहती हैं। अदर सिरसत सेख में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पर पहला पार्ट यहीं तक है, अब इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।